Good morning, my dear children. Today in this class, we are going to solve question number 10, 11 and 12 from exercise to practice work. So let's get start. Question number 10. 185 boys and 162 girls are studying in government higher secondary school. Udhyavas. 185 boys, 185 तो boys हैं and 162 girls study कर रहे हैं. कहाँ कर रहे हैं? Government higher secondary school है. कहाँ पे? उदयावास में. Okay, what is the total number of student studying in this school? आपको यहाँ पे find करना है what is the total number of student. स्टूडेंट किन को मिला के बनते हैं? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलते हैं, मिलाने पे क्या बन जाते हैं? स्टूडेंट बन जाते हैं. गर्ल्स बॉयज़ का दोनों का जो ग्रुप होता है उसको स्टूडेंट बोलते हैं. तो आपको फाइंड करना है कि इस स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं. विद वर्ड्स प्रॉब्लम, ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है तो इसको विद वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट यू स्टार्ट. तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे बॉयज स्टडिंग, बॉयज लड़के स्टडी कर रहे हैं, इक्वल थोड़ा सा डिफरेंस डिस्टेंस दोगे इनके बीच में ताकि यदि आपका नीचे वाला जो वर्ड है वो बड़ा भी हो जाए तो आप उसमें अरेंज कर पाओ. थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ पे आपको इक्वल का साइन रख देना है. और अब आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल बॉयज़ जो हैं वो इस स्कूल में कितने स्टडी कर रहे हैं. तो इसके अंदर बुक के अंदर बताया गया है कि 185 बॉयज़ जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं इन दिस स्कूल. आपको लिखना है बॉय स्टडिंग इक्वल 185 इन द स्कूल. फिर नीचे आपको चलना है, नीचे वाली रो में. अब आपको लिखना है गर्ल्स स्टडिंग, गर्ल्स कितनी स्टडी कर रहे हैं. इक्वल के साइन के नीचे इक्वल डालना है और गर्ल्स जो स्टडी कर रही हैं वो है टोटल 162. और ये भी आपको प्रॉपर वे से अरेंज करना है. वंस के कॉलम में वंस, टेंस के कॉलम में टेंस और हंड्रेड के कॉलम में हंड्रेड आना चाहिए. आगे पीछे नहीं हो, नहीं तो आपका जो भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉल्व करने वाले हो वो रॉन्ग हो जाएगा. और फिर आगे लिख देना है इन द स्कूल. अब आप फाइंड कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस स्कूल के अंदर. तो टोटल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है. तो अपने को यहाँ पे साइन डाल देना है प्लस का. ओके, अब देखिए यहाँ पे अपना लिख लेंगे अपन टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इक्वल. अब ये जो टोटल ऐड जो आप करना है वो आपको खुद से करना है. वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो मैंने यहाँ पे करवा दी आपको और इसको ऐड करके आपको इसका सम फाइंड करना है. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ गार्डन 225 रोजेज, 156 मैरीगोल्ड, 178 जैस्मिन प्लांट्स आर देयर. एक गार्डन है जिसके अंदर 225 रोज प्लांट्स हैं, 156 मैरीगोल्ड प्लांट्स हैं और 178 जैस्मिन के प्लांट्स हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे टोटल कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको रखना है रोज फ्लावर्स. रोज फ्लावर्स कितने हैं? 225. मैरीगोल्ड फ्लावर्स 156 एंड जैस्मिन फ्लावर्स 178. आपको फाइंड करना है इनका टोटल सम. तो टोटल सम करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का साइन डालना होगा और फिर आपको लिखना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स. ये जो ऐड है वो आपको खुद से सोल्व करना है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे. क्वेश्चन नंबर 20 इज गीताज फादर इज एट द मार्ट टू सेल पॉट्स. दिस टाइम हर फादर बिल्ट 523 पॉट्स ऑफ विच 484 वर सोल्ड आउट, देन हाउ मनी पॉट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गीता के फादर जो हैं वो एक मार्ट के अंदर पॉट्स सेल करने जा रहे हैं. एक मार्ट होता है बाजार, हाट बाजार. ओके, उसमें वो अपने पॉट्स बर्तन बनाए हुए सेल करने जाता है. तो अब की बार उसने टोटल पॉट्स बनाए थे 523 ऑफ विच 484 वर सोल्ड आउट. उनमें से 484
पोर्ट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो गए, बिक गए हैं। देन आपको फाइंड करना है हाउ मनी पोर्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, कितने अनसोल्ड बिना बिके कितने पोर्ट्स रह गए, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। द टोटल नंबर ऑफ 500 इक्वल का साइन डालेंगे, 523 पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स थे 523, सोल्ड आउट उनमें से हो गए इक्वल 484 पोर्ट्स। लेफ्ट अनसोल्ड बचे हुए कितने हैं, ये आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन डाल देना है और सब्ट्रैक्शन आपको खुद से सोल्व करना है। टुमोरो वी विल बी लर्न देवनागरी नंबर्स बिफोर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 21। कल की क्लास में हम लोग देवनागरी नंबर सीखेंगे। इसके अंदर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं देवनागरी नंबर्स के, तो इनको सोल्व करने से पहले हम लोग देवनागरी नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।